हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, सो टुडे वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द टॉपिक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देयर वी हैव इवन अटेम्प्टेड सर्टेन एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन और इवन शॉर्ट क्वेश्चंस वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, राइट? जस्ट रिमेंबर द फ्यू बेसिक रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो आरएएमसी के, अगर आप जब भी आप प्रॉस्पेक्टस देखते हो उसके साथ ही आपको मिलते हैं, तो उसमें आप देखोगे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, या फिर जहां आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन चेंज करने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से ही आए हैं। देर आर अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन जो आपको इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, राइट? मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस बाय राइटिंग थिंग्स डाउन, क्योंकि वर्बली बोलना और चीज़ें लिख के करने में देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हो, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन, तब आपको रियलाइज होता है कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, राइट? व्हेनेवर आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी होता है ये, क्योंकि वैसे ही आप चीज़ें प्रैक्टिस करोगे। मोर ओवर वी आर ट्राइंग टू डेवलप एन अप्रोच टूवर्ड्स अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, राइट? बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, से आरएएमसी, आरएमएस और इवन सैनिक स्कूल, या फिर आप एनडीए लेवल, सीडीएस या फिर एफकैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हो। यहाँ पे वी विल बी गाइडिंग यू और किस तरीके से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो उसके लिए भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सो वी विल स्टार्ट अप विद द सेशन। तो आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे, दे वर बेसिकली व्हाट, वो आपके एक्टिव फॉर्म में थे एंड देन यू हैव टू चेंज इट इनटू व्हाट, पैसिव फॉर्म, राइट? बहुत बार मैक्सिमम टाइम आपका एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है। कई बार आपका एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, राइट? तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले, दीज आर गिवन इन पैसिव फॉर्म्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव फॉर्म्स, ऑलराइट? सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज व्हेनेवर यू अटेम्प्टिंग वन टॉपिक, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप एक बार कर लो। अगर या आपके अप्रोच इस तरीके की होनी चाहिए कि कोई भी एक टॉपिक अगर आपका इस तरीके से प्रिपेयर है, एक क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, आप सारे कर पाओ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, द गिटार वॉज प्लेड बाय लीसा, बाय लीसा। और एक, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द वन कंडक्टिंग द एक्शन, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो एक्शन आपका कर रहा है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, राइट? जो उसका एक्शन रिसीव कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट ने काम किया, उस जो किसके ऊपर काम किया या कौन उसका एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हेयर हु इज प्लेइंग द गिटार, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लीसा। सो लीसा इज हेयर सब्जेक्ट। एक और चीज़ याद रखना, कई बार बच्चों को ये लगता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में ये हो रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, उनको ये लगता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। नहीं, सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और एक और चीज़ याद रखना, वर्ब आपका हमेशा किस में होता है, थर्ड फॉर्म में, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, राइट? पहला क्या है, लीसा आपका सब्जेक्ट है बिकॉज शी इज द वन हु इज डूइंग द एक्शन। अब आ जाते हैं गिटार पे, गिटार आपका क्या है, वो प्ले कर रही है ना, उसका जो एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है, गिटार के ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर, प्लेड, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ब ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिसमें सिंपली बाय एडिंग ईडी टू इट वो आपके क्या हो जाते हैं, थर्ड फॉर्म में या फिर पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। सो लीसा, द गिटार वॉज प्लेड बाय लीसा, लीसा प्लेड द गिटार, ठीक है, राइट? कई बार ऐसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, वो ऑलरेडी आपका थर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भी चेंज करोगे, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है तब उसमें आप कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में वर्ब दिया है, देयर यू हैव टू चेंज इट, राइट? सो क्या हो गया, लीसा प्लेड द गिटार। देखो यहाँ पे फोकस किस पे, लीसा,
लेकिन यहाँ पे देखो फोकस चेंज हो गया था, है ना। यहाँ पे एक्टिवली आपको पता चला कि यहाँ पे लीसा है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको बाद में पता चल रहा है कि कौन है सब्जेक्ट। इसमें शुरू में पता चल जाता है कि किसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, राइट। सो इसका आंसर हो जाना चाहिए लीसा प्लेड द गिटार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बुक इज बीन, द बुक इज बीन रेड बाय मैरी, रेड बाय बाय मैरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो इज बीन है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। इज दे रखा है तो इसका मतलब कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगी ये चीज। सो इसका आंसर हो जाएगा मैरी इज रीडिंग द बुक। आप और जब भी इज बीन का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है, जो आपका पैसिव वाला जो सेंटेंस था या फिर जो आपका एक्टिव में जो सेंटेंस था, वो आपका किस में था, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में था, राइट। सो द आंसर बिकम मैरी इज रीडिंग द बुक। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The cat is eaten by the, sorry, the rat is eaten by the cat. The rat is eaten by the cat. Cat is the subject. Rat is the one receiving the action of the subject. Eaten third form है किसका, eat का, ठीक है। क्या हो जाएगा, cat is eaten है ना, eats the rat. Alright? Next question पे आते हैं। Next question is a washing machine has been brought by him. A washing machine has been bought by him. Him use किया गया है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, he has been bought है, ठीक है, has been bought, he bought a washing machine, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, राइट, वर्ब में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब में चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, he brought a washing machine। इसमें क्या था, अ वॉशिंग मशीन हैज बीन बॉट बाय हिम, तो इसका क्या हो जाएगा, ही बॉट अ वॉशिंग मशीन, अ वॉशिंग मशीन हैज बीन बॉट है, अच्छा ही हैज बॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन है ना, इसीलिए ही हैज बॉट अ वॉशिंग मशीन। ऑलराइट, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The lucky draw will be won by him. विल है ना, तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में है। वॉन का क्या हो जाता है, विन, ठीक है। लकी ड्रॉ बाय हिम लिखा है, तो इसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, ही से शुरू होना चाहिए,
तो ही विल विन द लकी ड्रॉ, ठीक है। जब एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन आए, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, वर्ब आइडेंटिफाई करो और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। पहले तो ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई जब आपने कर ली हैं, उसके बाद आप चीज़ें क्या है चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टोन वॉज बीन थ्रोन बाय द मैन। अ स्टोन वॉज बीन थ्रोन बाय द मैन। हु इज थ्रोइंग द स्टोन? मैन, तो ये आपका सब्जेक्ट है। क्या फेंक रहा है? स्टोन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो, वॉज बीन थ्रोन है ना, ठीक है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तीन फॉर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का थ्रो, सेकेंड फॉर्म है आपका थ्रू, थर्ड फॉर्म आपका क्या है थ्रोन, ठीक है। थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया क्यों? क्योंकि ये पैसिव में सेंटेंस है। वॉज बीन है, अगर बीन है तो इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वॉज दे रखा है तो मतलब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। अगर आपका बीन दे रखा है ना, दैट इज BEING, ये याद रखना वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होगा, मतलब जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो आपका कंटिन्यूअस में होगा। यही चीज पैसिव के लिए अगर हम बोले, अगर एक्टिव सेंटेंस में बीन का यूज, सॉरी, अगर एक्टिव सेंटेंस है आपका किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में, या इनफैक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो उसमें पैसिव में जब आप कन्वर्ट करोगे तब उसमें आप क्या यूज करोगे? बीन, दैट इज BEING वाला। एक और चीज याद रखना, बीन जो होता है आप यूजुअली टेंसेस में जब आप देखोगे, देयर वी यूज BEEN, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होना चाहिए जब हम एक्टिव में बना रहे। तो सब्जेक्ट है आपका मैन, तो इसका हो जाएगा द मैन वॉज बीन, हटके थ्रू का क्या हो जाएगा? ING फॉर्म, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिरांड लगेगा। द मैन वॉज है ना, तो पास्ट में रहेगा, वॉज थ्रोइंग अ स्टोन। ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे मैन इज सब्जेक्ट। देखो ये आपका जहाँ पे सब्जेक्ट था वहाँ पे अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया, जहाँ पे पहले आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे अब सब्जेक्ट आ रखा है। तो क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सिर्फ पोजिशन चेंज होती है, ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, नहीं, जस्ट द पोजिशन चेंजेस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय समवन। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय समवन। क्या बंद किया? डोर। किसने, है ना, किसी ने क्या किया? दरवाजा बंद किया। ये एक्टिव में होगा तो कैसे बोलोगे आप? समवन, यहाँ पे क्या देख रहा हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या होता हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब? कभी भी थर्ड फॉर्म आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस, है ना। हैड है तो क्या हो गया? पास्ट, राइट। तो ये आपका किस में सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें क्या हो जाएगा? समवन 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 हैड, आप एज इट इज रखोगे, हैड लॉक्ड द डोर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट
और ये आपका क्या हो गया, समवन, ये आपका सब्जेक्ट है। पहले लास्ट में आ रहा था ना सब्जेक्ट, और अब देखो एंड में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। शुरू में क्या था, ऑब्जेक्ट, अब क्या आ रहा है, शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है, राइट। पोजिशन इंटरचेंज कर ली। टेंसेज जो थे वो क्या थे, हैड बीन लॉग था, यहाँ पे क्या हो गया, हैड लॉग था, ठीक है। वी हैव स्टिल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीट वॉज ऑफर्ड टू देम बाय हर। अ सीट वॉज ऑफर्ड टू देम अ सीट वॉज ऑफर्ड टू देम बाय हर। हर यहाँ पे यूज किया गया है तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, शी। वॉज ऑफर्ड, शी ऑफर्ड किसको, देम। शी ऑफर्ड देम क्या, सीट। शी ऑफर्ड देम अ सीट, ठीक है। किसने ऑफर किया, शी। क्या एक्शन किया, ऑफर, ठीक है। कौन, किस, क्या किया, सीट, ठीक है। Doer of the action, again वापस बता रही हूँ, doer of the action is the subject, one who is receiving the action is the object, जो actively काम कर रहा है वो आपका क्या होगा, subject होगा। जो काम कर रहा है या जो वो काम का action receive कर रहा है, that is the object, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी आपको subject और object identify करने आए, right? Next question is, some trees have been planted by the gardener. Some trees have been planted some trees have been planted by the gardener. Some trees have been planted by the gardener. ठीक है, कौन एक्शन कर रहा है, गार्डनर। क्या ट्री क्या कर रहा है, प्लांट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पे, सम, यहाँ पे हैव जो यूज किया गया है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो आप कैसे लिखोगे, गार्डनर हैज, ठीक है, प्लांटेड वैसे रह जाएगा, हैज प्लांटेड सम ट्रीज। ऑक्सिलरी आपका तब चेंज होता है, क्यों चेंज हुआ ये भी देख लो। ट्रीज क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, हैव जो यूज़ किया गया है, प्यूरल यूज़ किया गया है, सब यहाँ पे जो ट्रीज है दैट इज़ प्यूरल, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने हैव यूज़ किया। पर जब हम एक्टिव सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पे, इन द एक्टिव सेंटेंस गार्डनर के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए, राइट। तभी उस कॉन्टेक्स्ट में गार्डनर इज वर्ड सिंगुलर, इसलिए हमने हैज यूज़ किया, ठीक है। ये जो छोटी बहुत डिटेल्स है ना कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे आप, या फिर क्या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब, वापस बोल रही, वर्ब और एक नाउन, ये दो चीज़ें हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि टेंस भी क्या है, वर्ब का ही एक फॉर्म है, इसीलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ टॉपिक है जो आपके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको दूसरे जो टॉपिक जो होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। Some advice will be given to you by the doctor. Some advice will be given to you by the doctor.
इसका क्या हो जाएगा? कौन एडवाइस कर रहा है? डॉक्टर. एक्शन क्या है? एडवाइस. ठीक है, विल गिवन आ जाएगा. ठीक है, क्या होते हैं? गिव, गेव, गिविन. सेकेंड और ये आ गया फर्स्ट. द डॉक्टर विल बी, है ना, विल गिवन क्या आना चाहिए? विल गिव किसको दे रहा है? यू. विल गिव यू सम एडवाइस. ऑल राइट, द डॉक्टर विल गिव यू सम एडवाइस. ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं आपके वर्ब में, बस उसको एक बार देख लेना. थर्ड फॉर्म आप हमेशा यूज़ करोगे जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो. बेसिक रूल्स इन केस अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के जब यूट्यूब चैनल पे जाओगे वहाँ पे भी एक्टिव पैसिव वॉइस का पूरा एक्सप्लेनेशन है. रेफर टू दैट वीडियो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरी वन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.